नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा कि अब सीरीज चल रही थी, प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। डिफरेंट डिफरेंट हमने कहा था आपसे कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हम यहाँ सम्मिलित करके कराएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है इससे अनुभव हो सके, एक्सपीरियंस बढ़ सके आपका। तो एग्जाम से पहले चलिए छात्रों, हम लोग जो है क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो 06 है ठीक है उसी क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलेगा समान विज्ञान में। तभी मैं जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों में संदर्भ में आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न छात्रों आपके सामने है, इसमें पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर जवाब देना है। देखिए, जल्दबाजी कभी कभी नुकसान दे सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन। यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक विटामिन है। पहला कह रहा है कैरेटिन, दूसरा राइबो फ्लैमिन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है एड्रिनलिन। तो छात्रों आपको पता है कैरेटिन के बारे में आप सुन चुके हैं कि कैरेटिन क्या है। छात्रों आप ये आपके शरीर में भी पाया जाता है कैरेटिन, जैसे आपके नाखून, बाल और खुर जो होते हैं जानवरों के, वो बने होते हैं कैरेटिन प्रोटीन के छात्रों, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या है छात्रों? राइबोफ्लेविन बी टू एक विटामिन है जो आपने पढ़ रखा है, बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। इंसुलिन एक क्या है छात्रों? एक हार्मोन से। एड्रेनलिन क्या है छात्रों? एक हार्मोन से। तो दिए गए प्रश्न के अंदर अगर हम बात करें छात्रों, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होना चाहिए, राइबोफ्लेविन, जो कि करेक्ट है छात्रों, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में मिल जाता है बी कॉम्प्लेक्स, बी का सोल के अंदर भी आपको सामान्यता छात्रों जो है विटामिन बी प्राप्त हो जाता है। बी2 जो है एक काबिल विटामिन है बी1 के बाद, यानी कि बेरी बेरी के बाद, राइबोफ्लेविन। तो उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आया हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। हमने छात्रों पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, फ्री क्लासेस में ही आपको बताया था कि इनमें से एक ऐसी सिल्वर है जो कि सिल्वर नहीं है। कई बार एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन एक सिल्वर है जो कि सिल्वर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे छात्रों? यहाँ पे चार ऑप्शन है, जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और चंद्र सिल्वर यानी लुनार सिल्वर। तो सिल्वर के भी कई सारे नाम है छात्रों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर छात्रों क्या है? कोई भी सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर कोई सिल्वर नहीं है, क्योंकि ये छात्रों एक एलॉयज है, एक मिश्र धातु है, जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी हमारे केमिस्ट्री के जो पहले हमने क्लास कराई है फ्री क्लासेस के अंदर, एलॉयज और मेटल्स के अंदर भी हमने बखूबी कराया। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि सारी क्लासेस करिए, शुरू से लेकर आखिर तक सारी क्लासेस छात्रों करते रहिए, ताकि आपको कहीं पर समस्याएं ना आने पाए। जर्मन सिल्वर में तांबा 7%, जस्ता 20% और निकिल 20% है। यानी जर्मन सिल्वर क्या है छात्रों? की एलॉयज है, इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें कई सारी धातु मिला हो। तो इसके अंदर छात्रों क्या देखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, यानी एजी नहीं है, अर्जेंटम नहीं है। इसमें क्या है? कॉपर है, ठीक है छात्रों। इसके बाद कॉपर के बाद जिंक है, जस्ता है, प्लस निकिल है। यहाँ पे आपको देखने योग्य है कि यहाँ पे सिल्वर है ही नहीं, लेकिन नाम इनका क्या है छात्रों? सिल्वर की तरह इसका अपियरेंस होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी बनावट जो देखने में लगती है वो छात्रों बिल्कुल सिल्वर ही लगती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सिल्वर, लेकिन नाम पड़ गया इसका जर्मन सिल्वर छात्रों, क्योंकि ये एक एलॉयज है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक कमी द्वारा होने वाला रोग है, यानी एक डिफिशियंसी डिजीज है छात्रों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफिशियंसी डिजीजेज। पहला है अस्थमा, दूसरा छात्रों है ज्वाइंटिस, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है कैंसर। तो ऐसा नहीं छात्रों की क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान नहीं छात्रों में सीखने को मिल रहा है, अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग तरीके के प्रश्न उत्तर है। तो कहता है अस्थमा छात्रों आपको पता है, ठीक है, फेफड़ों पर संभावित होता है। अब ज्वाइंटिस पीलिया आपको पता है, लीवर से या संबंधित शरीर में त्वचा पीली पड़ जाती है। स्कर्वी छात्रों आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है, जो कि दिए गए प्रश्न के अनुरूप है। चौथा आपको पता है कैंसर है, कैंसर के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें छात्रों, तो ज्वाइंट यहाँ पे स्कर्वी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से आपको क्या होता है, सूजन वगैरह आ सकती है, और ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर होने वाला रोग है छात्रों। स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला जो है रोग है। विटामिन सी का स्रोत खट्टे रेशेदार फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो कि आप आसानी से डेली दैनिक जीवन में अपने इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा विटामिन है जो बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल भी सकता है। अगला प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कई बार परीक्षाओं में छात्रों ये पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। BOD के यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला कह रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशिट, दूसरा कह रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, तीसरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, चौथा है छात्रों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको अगर हम बात करें छात्रों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड हो छात्रों अगर हम बात करें, तो किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि जब आपने देखा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर जो है तालाब में, नदी में, पोखर में,
सीवर के अंदर जहाँ पे भी जलीय जीव जो उसके अंदर रहते हैं छात्रों, वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से ये पता चलता है कि उस जगह का जल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। इसलिए आपको बता दें कि BOD का बढ़ना एक खास संकेत है कि कहीं पर जो है जल में जो है संक्रमण, यानी कि हम कह सकते हैं कि गंदगी वगैरह बढ़ रही। इसी को कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, पांचवा कहता है कि नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि वो आपसे कह रहा है कि भाई एनिमल फूड का मतलब वो मांसाहारी चीज़ों में कम प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। जनरली आपको अन्य चीज़ों में साग सब्जी में मिल जाएगा, लेकिन एनिमल फूड के अंदर वो प्राप्त नहीं होगा। तो आपके सामने पहला विकल्प है विटामिन B12। विटामिन B12 आपको पता है ज़्यादातर ये मांस वाली चीज़ों में पाया जाता है, नॉनवेज में। विटामिन डी आपको पता है छात्रों की फिश वगैरह के अंदर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, एनिमल फूड के अंदर लीवर के अंदर मिलता है। विटामिन के भी आपको पता है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो भी आप जान नहीं रहे कि ज़्यादातर आपको विटामिन जो है लीवर वगैरह में मिल जाएगा, बॉडी में स्टोर होने वाली फैट में। लेकिन अगर हम बात करें छात्रों विटामिन सी मोस्टली साइट्रस फ्रूट्स में, खट्टे रेशेदार फल में बहुतायत रूप से मिल जाता है। तो दिए गए प्रश्न के अंदर अगर देखें तो विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन एनिमल फूड, विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट, खट्टे रेशेदार फलों में पाया जाता है, टोमेटोज, रेड पेपर्स एंड पोटैटोज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज एस्कर्वी, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। छात्रों अगला जो प्रश्न है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस विटामिन की कमी से संघातिक रक्त अल्पता, या इसी को हम कहते हैं प्रणाशी अरक्तता भी, कई जगह पे नाम है इसका प्रणाशी, और कहीं कहीं पे छात्रों इसका हिंदी में शुद्ध हिंदी में संघातिक का मतलब घातिक, मतलब कुल मिला के बड़ा खतरनाक प्रकार का यह अरक्तता होता है, एनीमिया होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं परमनीसियस एनीमिया। विटामिन वाला भी चैप्टर आपने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन सी, तो आपको एक सबसे सटीक आंसर चुनना है कि परनीशियस एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन या विच डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो आज छात्रों आपको पता है कि B12 बड़ा ही चर्चा में ये विटामिन रहता है, क्योंकि इसका नाम ही है साइनोकोबालमीन। कई बार आपने पढ़ा होगा साइनोकोबालमीन, मिथोलोकोबालमीन, विटामिन B12। ज़्यादातर जो है ये नॉनवेज प्रोडक्ट के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से छात्रों परनीशियस एनीमिया होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, B12। नेक्स्ट अगला सातवां पे जो है आपका जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि लेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, यानी लेड का मतलब सीसा बोलते हैं छात्रों, शीशा नहीं, सीसा अलग होता है, लेड, तो लेड एक धातु के अंदर कंसाइडर करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे सीसा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीसा एक होता है शीशा, वो शीशा मुँह चेहरा देखने वाला नहीं, सीसा लेड को बोलते हैं, जिसको हम लोग इसका सिंबल जो होता है छात्रों वो PB होता है। PB का मतलब होता है प्लम्बम, इसको लेड बोलते हैं, ठीक है छात्रों, PB सिंबल है। गलेना दूसरा ऑप्शन कह रहा है, मैग्नेटाइट, तीसरा पेरोलोसाइट, चौथा है सेडेराइट। कुछ ज़्यादातर इसमें आयरन के आपको यहाँ पे छात्रों क्या दिखाई पड़ रहे हैं, आयरन के अयस्क दिखाई पड़ रहे हैं, इसको छोड़कर गलेना जो होता है छात्रों उसको PBS बोलते हैं, लेड और सल्फाइड। ज़्यादातर सल्फाइड जो है मिलता है, चाहे वो कॉपर के अंदर हो, चाहे वो लेड के अंदर हो, चाहे वो जिंक के साथ हो छात्रों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ठीक है छात्रों, कॉपर ग्लांस, उसमें सल्फाइड ज़्यादातर मात्रा में मिल जाता है, तो सल्फाइड का मतलब लेड। अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में छात्रों पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, गलेना, और यहाँ पे लिखा है एंगल साइड, PbCl2 सीसे के अयस्क है, गलेना इज द एंगल साइड आर द ओर ऑफ द लेड, काफ़ी महत्वपूर्ण धातु है छात्रों। आठवां क्वेश्चन कहता है कि सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन, यानी कि सेप्रोफाइट्स जो है एक ऐसे जीव हैं जिनका एक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण करने के तरीके पे बात कर रहा है कि भाई एक ऐसे जीव हैं जो रहते हैं भोजन पर आश्रित हैं, किस तरह से भोजन को अपना प्राप्त करते हैं। तो ये कह रहा है जीवित पौधों से प्राप्त करते हैं, जीवित जानवरों से सिर्फ प्राप्त करते हैं, मृत और क्षयकारी जो सामग्री है, डेड डिकेइंग सड़ी गुली हुई चीज़ों को खा के, या अकार्बनिक रासायनिक यौगिक से। तो छात्रों आपको बता दें सेपरो का मतलब होता है मृतोपजीवी का मतलब होता है छात्रों मरी हुई सड़ी हुई डेड डिकेइंग स्पॉइल चीज़ों के ऊपर पनपने वाले जीवों को हम यहाँ पर बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मृतोपजीवी हमने बताया। सबसे अच्छा अगर एग्जांपल आप कहें तो छात्रों जो है कवक है,
कवक जो होते हैं फंगस फंगाई फफूंद बोलते हैं, ज़्यादातर खराब होने वाली रोटेंट वाली चीज़ों के ऊपर, सड़ी हुई चीज़ों पर ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। खरपतदार गांव देहात में छप्पर दरवाज़ा कहीं सड़ रहा है, ज़मीन है, मिट्टी है, मृत शरीर है, वहाँ पर ये निकल आते हैं क्योंकि अपना ये खुद भोजन बनाने में असक्षम होते हैं, इसलिए ये दूसरे जो है चीज़ों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये एक प्रकार है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नवा प्रश्न कहता है कि लैक्टोज किसमें उपस्थित होता है। लैक्टोज बड़ा अच्छा नाम है छात्रों के, LAC आया है, लैक का मतलब होता है मिल्क। ग्रेप्स अंगूर के अंदर अगर आपसे बात करें छात्रों तो एसिड होता है, जब खट्टे होते हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रहता है। मिल्क के अंदर आपको पता है छात्रों कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोज क्या है, शुगर का नाम है छात्रों, लैक्टिक एसिड एक अम्ल का नाम है, तो दूध से दोनों जुड़े हुए हैं। लैक्टिक एसिड मिलेगा दूध के अंदर और दूध के अंदर जो शुगर है छात्रों उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, ग्लूकोज की तरीके से लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो है वो आपका मिल्क शुगर बोलते हैं छात्रों। तो दिए गए पेपर में अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। लाइम आपको पता है छात्रों, और जिसको हम लोग चूना भी कहते हैं, नींबू या लिखा है, विनेगर मतलब सिरका होता है, इसमें एसिटिक एसिड भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी छात्रों होता है मिल्क के अंदर यानी दूध के अंदर। फार्मूला लैक्टोज का C12H22O11 .S2O होता है क्योंकि ये डाइसेक्राइड होता है, ठीक है, डाइसेक्राइड होता है, ठीक है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है। आगे 10वां प्रश्न कहता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं। एक निश्चित के बारे में बात कर रहा है कि इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड 10 साल के अंदर। मान लीजिए 10 की हम लोग जनगणना कराते हैं छात्रों, तो आपको पता है एक निश्चित समय हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसमें आपको बताया जाता है कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है, इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए छात्रों तो डेथ के बारे में बात कर रहा है, तो जन्म दर से तो कोई मतलब नहीं छात्रों। मृत्यु दर, अप्रवासन, उत्प्रवास, इमाइग्रेशन, तो मोर्टिलिटी रेट अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही होगा। जैसे आपने सुना होगा कि प्रति जो है 1000 जो है अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसके अंदर 38 जो है मृत्यु हो जाती है, यानी कि आपसे मोर्टिलिटी रेट के बारे में कहा गया तो भाई प्रति 1000 पर 38 बच्चों के देहांत हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं मोर्टिलिटी रेट, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो माँ की हो, चाहे वो पुरुष की किसी की भी। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखें तो छात्रों ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग जो है कारणों पर ये निर्भर करता है कि मोर्टिलिटी रेट को छात्रों खान पीन, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, किस तरह की समस्या है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बच्चों को आपने देखा है शिक्षा दीक्षा रिचुअल एस्पेक्ट जितने भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स तमाम तरह की लिटरेसी फाइनेंस इकोनॉमिकल, ठीक है सर, बहुत सारे कारण हैं। 11वां प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दिमागी सवाल है। ये कहता है रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किसका डेटा होता है। रेड बुक एक किताब होती है छात्रों, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। बचपन से नहीं सुनते आ रहे होंगे आप लोग, हाई स्कूल 9th में 10th में सुना होगा कि इसको हमने रेड डाटा बुक में लिस्टेड कर दिया। जैसे आपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आप सुनते हैं कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया, गिनीज बुक में मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्किंग होती है उसमें वहाँ पे रिकॉर्ड होता है उसका नाम, जब तक कि कोई और अगला उसको हराने वाला रिप्लेस करने वाला ना आ जाए। तो रेड डाटा बुक कंटेंट डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग छात्रों, यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर सभी पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, सभी पशु की प्रजातियाँ होती हैं, सिर्फ सभी लुप्त प्राय प्रजातियाँ, सभी विलुप्त प्रजाति, दोनों में देखिए कितना अंतर है। ऑल इंडेंजर स्पीसीज, ऑल एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दो शब्द यहाँ पे देखिए, एक लिख रहा है लुप्त प्राय जिन पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि जो लुप्त की कगार पर हैं, यानी अब वो आने वाले दिनों में अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो समाज से गायब हो चुके होंगे। एक तो ये हो गया इनको हम इंडेंजर बोलते हैं। दूसरा छात्रों विलुप्त का मतलब है जो समाप्त हो चुके हैं, उनके बारे में लिखा है। तो छात्रों अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनको हम लोग रेड डाटा बुक के अंदर डालते हैं ताकि समाज हमारा जो है जो वैज्ञानिक वर्ग है पूरा वो सचेत रहता है, सरकारें सचेत होती हैं, इनको अवेयर किया जाता है कि भाई देखो ये जीव जो है ये बहुत कम सालों से देखा जा रहा है, इसकी लगातार संख्या घटती जा रही है, उनके कारणों पर प्रकाश दिया जाए। सबसे बड़ा जो कारण है प्रजातियों को घटना छात्रों वो है शिकार, इलीगल जो छात्रों उसके अंदर हंटिंग होती है। दूसरा छात्रों आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु है छात्रों उनके आवास भी डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है। तो बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं छात्रों जिन पर संकट मंडरा रहा, चाहे वो पौधों की भी हो सकती है छात्रों, चाहे वो किसी की भी हो, उनको संरक्षण करना यहाँ पे जो है अति आवश्यक
होता है, तो खास तौर से जो है जीवों के बारे में, ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं उन पे जो खतरा मंड रहा था उसको रेड डाटा बुक के अंदर लिस्टेड किया जाता है। यहाँ लिखा है कि सभी लुप्त प्राय प्रजातियाँ रेड डाटा बुक से संबंधित हैं, ये एक दुर्लभ लुप्त प्राय पौधों जानवर। यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा इसमें पौधे और जानवर भी हैं, यानी एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, उन सबको भी यहाँ पर लिस्टेड किया जाता है, वहाँ पर लिस्टेड किया जाता है ताकि एक तरह का रिकॉर्ड बुक है, हमें अनुसंधान अध्ययन और प्रजातियों की निगरानी के लिए पूरी जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है 12वां, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है छात्रों, एल्युमिनियम का सबसे फेमस जो हमने आपसे बताया था पढ़ाते टाइम में, आप जो है कहा आपको मेटल्स एंड ओर्स वाला, उसमें आपसे पूछा भी जाता है कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, या सबसे बढ़िया जो डायरेक्ट सोर्स है एल्युमिनियम का वो है फ्लॉस्पर, बॉक्साइट, हेमेटाइट, कैल्कोपैराइट। तो यहाँ पे छात्रों है बॉक्साइट, जिसे हम लोग बोलते हैं Al2O3 बोलते हैं छात्रों, Al2O3, ठीक है, कहीं कहीं पर 7H2O भी लगा है, वाटर भी लगा हुआ है इसमें, तो Al2O3 इसको हम लोग बॉक्साइट बोलते हैं। इसके कोरंडम भी होता है, इसका क्रायोलाइट भी होता है छात्रों, इसके कई सारे और भी अयस्क हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉक्साइट एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी Al2O3.2H2O जो है, यहाँ पे वाटर लगा है, 2H2O कोई इशू नहीं छात्रों, अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल हटा देंगे तो इसका नाम कोरंडम हो जाएगा, CAl2O3, सिंपल है, अगर Al2O3 कहेंगे तो आप कोरंडम बोलेंगे छात्रों, ठीक है। आगे है 13वां, निम्नलिखित में से कौन एक लौह का अयस्क है, ओर्स के बारे में, इसीलिए हम आपसे कहेंगे बार बार कि चैप्टर जो कराए जा रहे हैं पूरे क्लास करिए, तभी आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अयस्क क्या होते हैं हमने आपको बता दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, यानी कि जो लोहा है प्राप्त होता है इनमें से किसके द्वारा, यानी इसका मदर पार्ट्स पूछा जा रहा है, इसका ओरिजिनल फॉर्म पूछा जा रहा है जो आयरन ओर। पहला है बॉक्साइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिगनाइट, चौथा है छात्रों नाइट्राइट। तो पहला जो है छात्रों बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, दूसरा अगर हम बात करें मैग्नेटाइट इज द गुड ओर्स ऑफ जो है आयरन, आयरन का एक अच्छा जो है अगर हम स्रोत कहें अयस्क के बारे में, तो छात्रों मैग्नेटाइट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और आपसे अगर बता दी जाए यहाँ पे तीसरा लिग्नाइट है जो कि कोयले का एक रूप है, नाइट्राइट आपको पता ही छात्रों के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें योग है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपने तमाम तरह के नाम इसमें सुने होंगे। 13 के बाद अगला है छात्रों यहाँ पे सबसे परिस्थितिक रूप से प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है, इट इज़ अ मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है छात्रों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि भाई कह रहा है कि सबसे अच्छा पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है छात्रों, उसमें कौन सा ये जो है चार कारणों में से एक ऐसा कारण है जिसका होना बड़ा ही जरूरी है छात्रों, इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। वहाँ पहला कहता है भाई पानी का, भाई जरूर सी बात है कि पानी बहुत ज़्यादा जरूरी, जल ही जीवन है। दूसरा है छात्रों टेम्परेचर, और तीसरा है छात्रों लाइट, और चौथा है छात्रों सॉइल, मिट्टी का, हवा का, ठीक है छात्र, मिट्टी है, पानी है, ताप है, टेम्परेचर और लाइट है छात्रों। तो इसके अंदर जो सबसे उपयुक्त कारण है वो है तापमान छात्रों। तापमान पर्यावरण के अमेजीविक कारणों का एक निर्जीव घटक में से एक है, तापमान सबसे प्रसारणी कारणों में, और टेम्परेचर छात्रों आपने देखा है कि जो सर्वाइवल का जो रेट है छात्रों पानी और हवा के अनुरूप अगर हम बात करें वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपने देखा है फ्लोरा और फौना और जो हमारी जो जातियां हैं जितनी भी उनका जो आवास है छात्रों वो तापमान पर निर्भर करता है। अब आप सहारा रेगिस्तान में चले जाएं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि उसका वहाँ का क्लाइमेट का स्ट्रक्चर ही बदल गया है, वहाँ पे जनसंख्या आपको ना के बराबर मिलेगी। थार में चले जाएं, गोबी चले जाएं, बोत्सवाना चले जाएं, कहीं भी चले, नबीबिया चले जाएं छात्रों, अगर आपने देखा जहाँ सदाबहार वर्षावन है टेम्परेचर कम है, वहाँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ की जलवायु है। तो टेम्परेचर जहाँ बहुत ज़्यादा अल्पाइन एरियाज हैं छात्रों, हिली एरियाज है, वहाँ पे भी टेम्परेचर फर्क डालता है। तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा छात्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम देखें कि नॉन लिविंग फैक्टर यानी एबायोटिक फैक्टर के अंदर देखा जाए तो लाइट जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में कंसिडर किया जाता है। 15वां प्रश्न कहता है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा किसके कारण होती है। छात्रों यहाँ पे आपको तीन रिएक्शन लिखे हुए हैं, तीन यहाँ पे आपको क्रियाओं के बारे में बताएगा, और उसमें बताया कि जो सूर्य है, जो तारा है जिसको सन बोलते हैं, उसकी ऊर्जा का, उसके चलने का जो स्रोत है वो क्या है। वो केमिकल रिएक्शन कह रहा है कि भाई वहाँ रासायनिक क्रियाएं चल रही, दूसरा कहता है कि परमाणु विखंडन है, न्यूक्लियर फिशन चलता है वहाँ पर, यानी कि नाभिक टूट टूट के जो है छोटे छोटे नाभिक में बनते हैं, या नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि उनमें अटैचमेंट होता है, यानी कि वो आपस में जुड़ते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वहाँ पर, ठीक है, या वहाँ पे कह रहा ऑल ऑफ द एबो। तो छात्रों ऑप्शन सी है यहाँ पर, आपको पता भी होगा कि नाभिकीय संलयन एक काफ़ी खतरनाक घटना है, इसमें आपको पता है हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम के अणु का
निर्माण करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है और हवा पृथ्वी तक, सूर्य से तापमान यहाँ तक आता है। लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के बाद वो तापमान इतना ज़्यादा होता है कि इंसानों की मौत तक हो जाती है। आपने गर्मियों में देखा होगा तापमान, ठीक है छात्रों, कहीं कहीं पर 52 डिग्री 54 डिग्री तक, 60 डिग्री तक भी पहुंच जाता है छात्रों, जो कि जानलेवा है। आगे की अगर हम बात करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छात्रों, हाउ मच मैकेनिकल वर्क, यहाँ पर आपसे W पूछा जा रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। मस्ट बी डन कम्प्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री पर, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना वर्क डन पड़ेगा। तो क्यू बराबर ML, अगर हम छात्रों यहाँ पे बात करें W बराबर ML के बारे में बात कर ले, यहाँ पे जो M है छात्रों वो बर्फ की मात्रा है जो कि ग्राम में है अगर आप देखा जाए, और बात L क्या है, L यहाँ पे, ठीक है छात्रों, यहाँ पे 80 कैलोरी प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा है, यानी कि जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा या गलन ऊष्मा कह दें, ठीक, मेल्टिंग हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी होती है। तो आपको पता है छात्रों इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम के लिए 4.2 मल्टीप्लाई आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर जो है वो 336 जूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर जूल में पूछा गया छात्रों और वजन ग्राम में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलोरी है छात्रों ना, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो कैलोरी को हम लोगों ने जूल में बदल लिया है, इसलिए तो 4.2 से आपने 80, ठीक है, यहाँ पे कैलोरी को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 336 जूल का आ जाएगा 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए छात्रों। 80 कैलोरी जो है हीट की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर, ठीक है, 80 इसको हम लोग लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, गलन ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी 336 जूल होगा। 17वां क्वेश्चन कहता है कि ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए राइफल विच रिकॉयल आफ्टर फायरिंग, यानी बंदूक से निकलने वाली गोली जो है बंदूक के ऊपर एक झटका देती है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा का अनुपात, ठीक है, ऑफ द राइफल टू दैट ऑफ द बुलेट, यानी बंदूक की गोली और राइफल का जो झटका लगा उसकी गतिज ऊर्जा के अनुपात में क्या फर्क पड़ेगा। एक राइफल से गोली चलाई जाती है जो फायरिंग के बाद पीछे हट जाती है, राइफल की गतिज ऊर्जा का बुलेट की गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा, यानी बुलेट की गतिज ऊर्जा और राइफल की जो गतिज ऊर्जा उसमें क्या अंतर होगा। आपको पता है जिस हिसाब से बुलेट निकलेगी उतने आधार पर जो है बंदूक की जो है हत्था जो है हैंडल जो है वो नहीं पीछे बट जो है पीछे झटका खाएगा, यानी दोनों में अंतर जरूर होगा छात्रों। कह रहा है कि 0 रहेगा डिफरेंस, 1 के बराबर होगा, यानी बिल्कुल बराबर हो नहीं सकता क्योंकि जिस हिसाब से बंदूक में गतिज ऊर्जा वो आपके बंदूक के हत्थे पर नहीं होगा। यहाँ पे जो आपसे कह रहा है जो राइफल में, तो ये लेस देन 1 होना चाहिए छात्रों, लेस देन 1 का मतलब 1 से कम, यानी दोनों में अंतर रहेगा, अंतर में ये रहेगा कि बंदूक की जो गोली उसकी गतिज ऊर्जा और बंदूक के जो ऊपर राइफल के ऊपर जो झटका लगता है रिकॉइलिंग होती है उसमें दोनों में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब हो गया, जैसे कि आपने जो है कहा जाए 1/2 कह दिया जाए, 1/5 1/3 कर दिया जाए तो 1 से कम आएगा, लेस देन 1। तो दिए गए प्रश्न नंबर 17 के अंदर देखें तो ऑप्शन सी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न कहता है कि एक फोटोवोल्टिक सेल, पढ़ चुके हैं आप लोग ये लाइट वाले चैप्टर में कि फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है सेल होते हैं जो उपयोग के साथ सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूपांतरण के परिणाम स्वरूप क्या बनाते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी को कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल और मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे छात्रों जो सही आंसर होगा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सौर ऊर्जा को, जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं, जिसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 19वां प्रश्न कहता है कि एक घर की छत से जमीन की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कब होगी, अधिकतम, यानी आप छत पे चढ़ जाइए 2 मंजिल 3 मंजिल पे और ऊपर से पत्थर को फेंकिए जमीन की तरफ में और ये बताइए कि किस सिचुएशन में गतिज ऊर्जा के बराबर ½mv2। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि के बराबर ½mv2 छात्रों, यहाँ पे आपको पता है कि वी जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि आपका वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी। कह रहा है इसे गिराए जाने की ठीक बात तुरंत जब ये आधे रास्ते पर हो तब गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, जमीन को छूने से ठीक पहले जब ये जमीन को छूता है छात्रों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जैसे आपने देखा कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे पहुंच चुका होगा, जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच चुका होगा, तो ये कहेगा कि जमीन को छूने से ठीक पहले छात्रों क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा, बिफोर टच द ग्राउंड, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर छात्रों ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एम देखिए कांस्टेंट रहेगा, एम नहीं बदलेगा छात्रों, केवल वी बदलेगा। तो वेलोसिटी जैसे जैसे उसके अंदर रेट ऑफ वेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगा, अर्थ की ओर नीचे की ओर खींचने लगेगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक समय आएगा जब वो टकराने से पहले उसकी सबसे ज़्यादा कनेटिक एनर्जी उसके अंदर पाई जाएगी। अगला है छात्रों 20वां प्रश्न, एक डायनमो का उपयोग किया परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डायनमो, टर्बाइन और जनरेटर हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर में, बताया था कि भाई डायनमो, टर्बाइन और जनरेटर तीनों एक ही तरह के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, यानी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। लेकिन कौन सी ऊर्जा को ये परिवर्तित करते हैं? तो पहला कह रहा मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कह रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी को मैकेनिकल। तो ये दोनों दो तो गलत हैं छात्रों। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को छात्रों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को छात्रों विद्युत ऊर्जा में, एक बड़ा ही ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट होगा। डायनेमो आपने नहीं देखा, जनरेटर देखा होगा, जनरेटर को घुमाया जाता है, उसके अंदर आपने देखा होगा एक जो है गोल कलर का सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर डायनेमो बोलते हैं, वो जितनी तेजी के साथ घूमता है विद्युत ऊर्जा उतनी तेजी से उसमें बन के तैयार होती है। अगला है छात्र, जब कोई वस्तु हवाई जहाज से गिरती है तो उसकी वृद्धि में होती, यानी जब ए बॉडी फॉल फ्रॉम एरोप्लेन देयर इज ए इंक्रीज इन इट, कॉमन सी बात है छात्रों, जब ऊंचाई से अगर रफ्तार से कोई चीज नीचे की ओर गिरेगी तो आपको पता है कि दो ऊर्जाएं हमेशा रहती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एक बढ़ती तो एक घटती है। जब धीमे धीमे करके जितनी तेजी से वो चीज़ नीचे की ओर गिरेगी, m बराबर v स्क्वायर उसका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी छात्रों, उससे अंदर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा जब तक कि वो अर्थ पे जाकर पृथ्वी पर आके जो है रुक ना जाए या टकरा ना जाए। तो छात्र उसके अंदर होगा गतिज ऊर्जा का मान इसमें बढ़ता चला जाएगा। 22वां प्रश्न कहता है पानी उठाने वाले इलेक्ट्रिक पंप में हम परिवर्तित क्या करते हैं, यानी जो आपके यहाँ समरसिबल पंप होते हैं जो पानी को नीचे से अपलिफ्ट कराते हैं ऊपर टंकियों तक पहुंचाते हैं छात्रों, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा को हम लोग किसमें परिवर्तित करते हैं? काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। संभावित ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, इसको मतलब बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू काइनेटिक एनर्जी में। छात्रों देखिएगा जो पंप होते हैं छात्रों, आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो होते हैं कि सिंस द इलेक्ट्रिसिटी गिवन इन द इलेक्ट्रिक पंप इज द यूज इन अपराइडिंग स्पीड टू वाटर टू राइज अप सरफेस, चूंकि विद्युत पंप को दी गई बिजली का उपयोग पानी को सतह से ऊपर करना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करेगा। जो मोटर होती है छात्रों वो डायनमो के जस्ट अपोजिट होती है, वो क्या करती है या इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में बदलती है यानी घूमती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू द काइनेटिक, काइनेटिक में मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, तो जल को ऊपर की ओर भेजती क्योंकि वो मूवमेंट कराता है, अपलिफ्ट कराना, उसको पुल कराना, पुश कराना छात्रों ये काम होता है, ठीक है, मोटर का, क्योंकि इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, तो मैकेनिकल ना बोलकर यहाँ पर काइनेटिक कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया क्योंकि छात्रों उसको पृथ्वी के अगेंस्ट ऊपर अपलिफ्ट कराया जा रहा, पंप कराया जा रहा, भेजा जा रहा है। 23वां प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताएं, यानी कि विद्युत में बदलने के, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला उपकरण की यहाँ पे बात कर रहा है। तो डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान है। फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था छात्रों की सोलर एनर्जी को ये लोग किसमें कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं घर घर पे, इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगला है छात्रों और ये मुफ्त की एनर्जी भी है। अगला है वायु, भूमि, जल या मिट्टी की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में किसी भी वांछनीय अवांछनित परिवर्तन को क्या कहते हैं छात्रों? यहाँ आप देख सकते हैं एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, आगे कह रहा करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर आर सॉइल इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉलिड वेस्टेज, पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। छात्रों यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जितनी भी भौगोलिक, आर्थिक, रासायनिक जितनी भी जो है समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं तब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, यानी हरित प्रभाव जो पैदा होता है छात्रों, आपने देखा है क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इफर इसके ऊपर पड़ता है, यानी कि आपने पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय तापन है उससे आपने देखा होगा कि हमारी जो वेजिटेशन होती हैं, जो हमारी फसल्स होती है, जो ग्रीनरी है जितनी, वेजिटेशन जिसे बोलते
हैं, छात्रों जितने भी पादप हैं, यहाँ तक कि आपके आइसबर्ग वगैरह हैं, या भू तापन से छात्रों आपने देखा होगा कि जो है नाश हो रहा है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जंगलों में आग लगना, सारी समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हैं। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये हमारे हर तरह के प्रभाव को जो है परिलक्षित करता है। 25वां प्रश्न कहता है कि जल में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति में भी शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, इसे कहते क्या है? कुल मिला के छात्रों क्वेश्चन पूछने का यह मतलब है, कहता है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी तालाब में बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें चली जाएं, इन वाटर आल काजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ठीक एल्गी, तो इसको क्या कहते हैं? आपने देखा है कि तालाब और पोखर जो होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें काई निकल आती, तो काई निकलने के पीछे कारण क्या है, वो एक्सेसिव ग्रोथ क्यों हो जाती है? इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, या एल्गल ब्लूम बोलते हैं छात्रों, या प्लैंक्टोनिक बोलते हैं, या यूट्रिफिकेशन। तो छात्रों इस टर्म को यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, और जो एल्गी बढ़ जाते हैं उनको एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम होता किसकी वजह से? यूट्रिफिकेशन की वजह से। यूट्रिफिकेशन क्या है? जब आपके तालाब में, नदी में, पोखर में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर खनिज पदार्थ बढ़ जाते हैं जो कि एल्गी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। तो दो बातें ध्यान दीजिएगा, एल्गल ब्लूम जो होता है वो जो है शैवाल की वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जो इनरिचमेंट है, जो न्यूरिशमेंट मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ, उसको हम लोग यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा छात्रों। आगे कह रहा है 26वां प्रश्न, एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, वेरी गुड क्वेश्चन, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा। माइका अभ्रक आप जानते हैं, शीट बनाई जाती है। कॉपर आप जानते हैं, तांबा जिसे कहते हैं हम लोग, बॉक्साइट जिसे कहते हैं छात्रों Al2O3.2H2O, गोल्ड आपको पता ही छात्रों, तो बॉक्साइट इज़ अ गुड ठीक है आंसर होगा इसका सबसे। और ये आपके सामने छात्रों इसका फार्मूला है, जिससे हमने आपको बताया था कि एल्युमिनियम सबसे अच्छा जो है बॉक्साइट नाम के जो है अयस्क से प्राप्त किया जाता है। आगे बात करते हैं छात्रों 27वें प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इनमें से, तो अब देखिए छात्रों अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। हेमेटाइट जो होता है छात्रों आयरन का अयस्क है, Fe2O3 बोलता है इसके अंदर। बॉक्साइट में छात्रों Al2O3.7 22H2O। क्रायोलाइट कैल्सीटाइट छात्रों, तो अगर हम बात करें तो ये जो फार्मूला है इसका तीसरे वाले का AnA3AlF6 होता है, इसमें छात्रों कहीं पर भी जो है ऑप्शन सी में आपका जो है ऑक्सीजन नहीं आती, यहाँ पे डज नॉट कॉन्टेन ऑक्सीजन, इसलिए दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी छात्रों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ये रहा आपका क्रायोलाइट Na3AlF6 जो कि आयरन का एल्युमिनियम का छात्रों अयस्क है। 28वां प्रश्न कहता है रूबी एंड सफायर आर द ऑक्सीडाइज ऑफ, मणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ये भी बड़ा बेशकीमती, आपने देखा होगा कई लोग पहनते हैं इसको, बड़े ही जो रईस लोग होंगे वही पहन पाएंगे इसको। तांबा, टिन, लोहा, एल्युमिनियम, यानी किसके ऑक्साइड होते हैं, चमकते हैं, ग्रीन कलर का मिस्ली आपने देखा होगा सफायर ठीक है, और रूबी और नीलम लाल या नीले हरे रंग के बिल्कुल डार्क होते हैं छात्रों, उसमें एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं आभूषणों में। मणिक और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला छात्रों निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख अजैविक कारक नहीं है? जब भी छात्रों बता दें कि नॉट लग जाए प्रश्न में तो तीन उत्तर सही होते हैं एक गलत होता है, तीन उत्तर सही होते हैं एक गलत होता है। मेजर ए बायोटिक फैक्टर ठीक है, नॉट ए मेजर बायोटिक, मेजर बायोटिक का मतलब छात्रों होता है जैविक कारक, जैविक कारक नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए एयर, लाइट, वाटर और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एबायोटिक है, लाइट एबायोटिक है, एयर एबायोटिक है, लेकिन वाटर जो छात्रों है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा बायोटिक फैक्टर है। यहाँ पे अगर देखा जाए छात्रों यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा नॉट ए मेजर एबायोटिक, मेजर बायोटिक पूछ रहा, क्योंकि चारों छात्रों यहाँ पे क्या है एबायोटिक है, ये हम समझ नहीं पाए थे। यहाँ पे देखिए क्या है कि चारों एबायोटिक हैं छात्रों, चारों एबायोटिक में मेजर नहीं है, यानी कि टेम्परेचर, वाटर और लाइट ये सबसे बड़े जो है हम बात करें अजैविक कारक हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि मेजर मतलब है कि इसमें एयर जो है बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगर यहाँ पर कोई जैविक कारण होता छात्रों जैसे है ना, तो उसमें हम लोग लगा सकते थे उस ऑप्शन को, इसलिए यहाँ दिए गए प्रश्न के अंदर एयर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इनमें से कौन सा एक मुख्य कारक नहीं है, वो भी अजैविक, जिसमें जीवन जैसे प्रमाण ना हो, जैसे लाइट है, हीट है, टेम्परेचर है, एयर है छात्रों, ये सभी क्या है एबायोटिक फैक्टर हैं ठीक है। इसमें हम लोग आते हैं छात्रों प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, ये सभी बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। 29 का ऑप्शन डी यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न कहता है आमतौर पर उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित सामग्रियों में जो मिश्र धातु नहीं है, यानी एलोयज नहीं है, इनमें से कौन एक एलोयज नहीं है,
ठीक है, यानी मिक्सचर नहीं है। पहला कह रहा है स्टील, छात्र स्टील आपको पता है निकिल, आयरन और निकिल का योग, आयरन और कॉपर का योग होता है, वो आयरन और कार्बन का जिसमें Fe और C का। दूसरा ब्रास पीतल होता है, छात्रों आपको पीतल पता है, इसके अंदर कॉपर जिंक का मिश्रण है। ब्रॉन्ज छात्रों आपको पता है, ब्रॉन्ज को हम लोग कांस बोलते हैं, इसमें लेड और ठीक है कॉपर और लेड का मिश्रण होता है। और यहाँ पे कॉपर छात्रों अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ है यानी शुद्ध तत्व है। क्यूप्रम बोलते हैं इसको, तांबा है, अनुचुंबकीय होता है, चुंबक वाले गुण इसके अंदर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 30 का अगर देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे छात्रों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। तो छात्रों आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं इसको, 30 प्रश्न और उत्तर को हम लोगों ने बड़ी तेजी के साथ किया। कारण क्या छात्रों, देखिए जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा स्लो स्पीड की हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में, और बाद में यहाँ प्रैक्टिस है, तो आपको पता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई, उसी तरह से हम लोग सीरीज में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।